आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ फॉल इन द ओन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड राइज इन टैक्स रेट ऑन गुड एक्स ऑन सप्लाई कर्व, यूज डायग्राम। सो बेसिकली हमें बताना है कि इनका इफेक्ट क्या होगा सप्लाई कर्व के एंड थ्रू डायग्राम। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें, डेट इज फॉल इन प्राइस ऑफ ओन गुड, फॉल इन प्राइस ऑफ ओन गुड, ठीक है, हमारा गुड अगर एक्स है एंड अगर एक्स का प्राइस फॉल हो जाता है, सो इट मीन प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ। एंड सपोज तुम एक प्रोड्यूसर हो फर्म में एंड जिस कॉमोडिटी की तुम प्रोडक्शन कर रहे हो एंड अगर उसका प्राइस कम हो जाता है, सो ऐसा प्रोड्यूसर सोचो कि जब उसका प्राइस कम हो जाएगा सो तुम्हारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, सो प्रॉफिट मार्जिन जो होगा प्रोड्यूसर का, प्रॉफिट मार्जिन फॉर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। एंड इसकी वजह से वो क्या होगा, वो अब प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, जो गुड में प्रोड्यूस कर रहा हूं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, सो मैं अब उसकी प्रोडक्शन कम कर दूंगा एंड देयरफॉर सप्लाई जो होगी वो फॉल हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो बेसिकली दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज ओ एंड सप्लाई इज दिस, ठीक है। सो एट सप्लाई कर ये था, एट सपोज दिस प्राइस लेवल, ठीक है, एट दिस पी प्राइस लेवल माई क्वांटिटी सप्लाइड इज दिस क्यू, एंड वेन प्राइस जब मेरा कम हुआ पी से पी वन पर, जब मेरा प्राइस फॉल हुआ पी से पी वन पे, जब मेरा प्राइस हुआ, ठीक है, फॉल हुआ, सो क्या हुआ क्वांटिटी सप्लाइड में, मेरी क्वांटिटी सप्लाइड पहले Q थी एंड अब Q1 हो गई, सो देयरफॉर फॉल हो गई, सो देयरफॉर Q से मेरी क्या हो गई क्वांटिटी Q1, तो ये भी फॉल हो गई, है ना। सो देयरफॉर जैसे ही प्राइस कम हुआ मेरी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, सो देयरफॉर देयर इज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में बोला राइज इन टैक्स रेट ऑन गुड एक्स, मींस टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, सो टैक्स रेट जो था इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसे समझो, सपोज पहले तुम्हारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट तुम्हारा रुपीज 1 लाख था, है ना, प्रॉफिट तुम्हारा 1 लाख था एंड सपोज अर्लियर टैक्स रेट जो था टी, जिसको मैं टी कह रहा हूँ, टैक्स रेट 10% था एंड देयरफॉर रुपीज 10,000 ऐसा तुम टैक्स दे रहे थे, है ना। तो तुम्हें प्रॉफिट कितना बच रहा था, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तुम्हारा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुम्हारा था रुपीज 90,000 एंड सपोज अब क्या हुआ टैक्स रेट मेरा इंक्रीज हो गया, सो बेसिकली टैक्स रेट इंक्रीज होकर 20% हो गया, सो क्या होगा मेरा, अब मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा 20,000 एंड देयरफॉर 1 लाख माइनस 10,000, सो देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया मेरा 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 80,000, सो देयरफॉर प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया मेरा, सो टैक्स रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, टैक्स रेट इंक्रीज की वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रोड्यूसर का वो फॉल हो गया एंड देयरफॉर वो क्या करेगा सप्लाई को फॉल कर देगा। सो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू भी एनालाइज करें सो इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस, this is p, this is q, this is o and if this is the supply curve, this is the supply curve, है ना, and अगर ये price था and ये quantity supplied थी, ठीक है। अब क्या हुआ मेरी tax rate बढ़ा, tax rate बढ़ने की वजह से supply fall हो गई, but हर price level पर मेरी supply curve fall हुई, so therefore supply curve मेरा right leftward shift कर देगा like this, so this is my s dash is my new supply curve and Q1 is my new quantity supplied. So therefore there is an, जब leftward shift to a supply, there is a decrease in quantity. So therefore tax rate बढ़ेगा, so क्या होगा, there is decrease in supply. So यहाँ हमने question में देखा कि जब मेरा tax rate increase करेगा supply fall हो जाएगी and जब मेरा खुद के good का price, जब मेरे खुद के good का price fall करेगा
सो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड फॉल हो जाएगी। सो ये था मेरा आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।